हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट फोरम। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट फोरम। ऋतुराज दीक्षित हियर एंड वी गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी गोइंग टू सी दैट हाउ वी गोइंग टू वर्क ऑन इट यूजिंग द फंक्शंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कंटिन्यूएशन विद द Z statics which we discussed in the last lecture, if we go in the last lecture we discussed about CDF and PPF which are used to calculate the Z static, and this is used to calculate the P value in Python, right? So we're going to calculate we're going to calculate the T static parameter. Right, in this the important point is we should know what is the degree of freedom. And here I am assuming that you know what is degree of freedom. Basically it is n minus k. Right, in normal cases, where k are the number of features or attributes, n is the sample size. Now, where we use t distribution, for n less than or equal to 30. Right. But how we can use it in Python? That is important, right? How are we going to use it in Python? No, first of all, as we know, we have discussed the probability density function PDF for Z statics. What was that? It was 1 upon sigma 2 pi exponent 1 by 2 x minus mu upon sigma whole square. Similarly, we have another PDF probability density function for k distributions, right? FKT, where T is the static, and it is being given by 1 upon under root of k pi lambda k plus 1 by 2 lambda k by 2 1 plus t square by k plus 1 by 2. दोस्तों, जो लोग मैंने पहले ही बताया था कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से। ये डेटा साइंस में आता है टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए। हमारे पास पाइथन ऑलरेडी हमें बहुत सारी अच्छे अच्छे यूटिलिटीज प्रोवाइड कराता है जो कि हेल्पफुल होते हैं इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद के डिग्री ऑफ फ्रीडम where k is greater than 0। और यहाँ पे हमने समझने के लिए माना है कि हमें जो t स्टैटिक है उसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1.5 है और k डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 10 है। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो आइए देखें कैसे हम पाइथन में इसको अप्लाई करेंगे। को समझने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वही हमारा पुराना वाला पैकेज। हम लिखेंगे फ्रॉम scipy डॉट स्टेट्स इम्पोर्ट टी प्रिंट स्टेट्स डॉट टी डॉट
सी डी एफ 1.5 होने यहाँ माना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके दोस्तों यहाँ पर है डी एफ इक्वल टू 10। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर लगाएंगे तो पहले मैं देख आपको इसको नॉर्मल कर्व के हिसाब से बताता हूँ कि कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस होती है, ये एक्सिस होती है हमेशा देखिएगा आप लोग पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एक्सिस होती है, ठीक। और हमने माना कि यहाँ पे जो है वो टी इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो 1.5 है तो हमने कहा भाई अगर ये 2 मान लेते हैं इसे, तो 1.5 आपका यहाँ पे बीच में आएगा, सही सी बात है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। तो 1.5 ये वैल्यू, तो ये पूरा एरिया आपका आ जाएगा, ठीक। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो आपका टोटल एरिया आएगा वो आएगा 1.5, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये 0 हो गया, ये आपका पूरा एरिया हो गया, और ये यानी कि इसकी जो आपकी पी वैल्यू आपकी आएगी इसकी 0.9177463। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को मान लीजिए कि मेरे को तो सपोज करिए कि राइट हैंड टेल वैल्यू चाहिए, तो मुझे अगर राइट हैंड टेल वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा उसकी वैल्यू को। तो पहले तो मेरे को वही चीज़ है कि पहले लेफ्ट हैंड पे टेल वैल्यू निकालते हैं और फिर हम उसकी राइट हैंड टेल वैल्यू निकालेंगे। तो अब जब बात हो गई हमारे पास, ये ऑलरेडी गॉन थ्रू सी डी एफ, नाउ लेट अस गो टू द पी पी एफ फंक्शन। पी पी एफ परसेंट पॉइंट फंक्शन, समटाइम ऑल्सो नोन एज परसेंटेज पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, पी पी एफ क्यू ऑफ द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद के इक्वल टू 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्यू क्यों लिखा है, क्यों मैंने इसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अल्टीमेटली क्यू ही ली जाती है। मान लीजिए अगर आपको अल्फा इक्वल टू 0.05 के लिए वैल्यू के लिए कंप्यूट करना है ना, स्टैटिक्स में तो हम राइट मैंने बताया था आपको डायरेक्ट हम यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे, लेकिन हमें 0.05 के लिए कैलकुलेट करनी है। अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो अल्टीमेटली हमें निकालनी किसके लिए पड़ेगी, 1 माइनस अल्फा के लिए निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम इसको पी बोलते हैं 0.05 को, तो क्यू होगा 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 0.05 विच इज़ नथिंग बट 0.95। तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा क्यू लिखते हैं। तो अब मैं इसको अगर पाइथन में लिखूंगा तो हो जाएगा फ्रॉम साईपाई इम्पोर्ट टी, राइट। अब वी कैन राइट प्रिंट स्टेट्स डॉट टी डॉट पी पी एफ 0.95। तो अब मेरी जो वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ तक किया है क्योंकि मेरे को यहाँ तक पहुँचना था, मेरे को 0.05 निकालना था, है ना। तो अब 0.05 स्टैटिक्स में तो इधर से शुरू होता है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में करूँगा जैसे आएगा, तो मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को पॉजिटिव स्टैटिक्स निकालनी थी ना 0.05 वाली,
तो वो निकालने के लिए मेरे को 0.95 से यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, समझे मेरी बात को, 0.95 से मुझे यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, तो मेरे को असली टी स्टैटिक्स की वैल्यू मिलेगी इसके अगेंस्ट में। अच्छा मैं यहाँ पे सॉरी चीज़ देखना भूल गया, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना भूल गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 10 सॉरी, है ना। तो ये पूरा स्टैटिक्स यानी कि इसका पूरा फॉर्मूला होगा स्टैट्स डॉट टी डॉट पी पी एफ 0.95 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 10। तो क्या होगा 9.95 इसे यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आते आते तो ये वैल्यू मिलेगी, ये पॉजिटिव मिलेगी। अगर तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू 0.95 पे आपकी जो आएगी, ठीक है ना, वही वैल्यू आपकी जो है वो ओरिजिनल वैल्यू आएगी जो कि होगी 1.812461। अब अगर 0.05 लिखते हैं आप तो आती यहाँ पे t इक्वल टू -1.8124, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको, मैं एक बार फिर से और समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है t डिस्ट्रीब्यूशन का। t इक्वल टू 1.8124 ये वैल्यूज़ आएंगी, ये वैल्यू पॉजिटिव वाली आएगी जब हम अल्फ़ा लेंगे 0.95, और ये नेगेटिव वाली आएगी जब हम लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 0.05। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़, ठीक है। बस इसी तरीके से हम लोग जो है वो चीज़ों को सॉल्व करते रहते हैं। अब अगर हमें टू टेल टेस्ट निकालना है तो उसको 2 times मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारी टी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 times टेस्ट निकालने के लिए उसको 2 times मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको कंपेयर करेंगे, फिर हमारी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। चाई स्क्वायर टेस्ट जब हम निकालते हैं तो कभी भी चाई स्क्वायर टेस्ट निकालने के लिए भी हमें जो है वो जो भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए होते हैं उसके हिसाब से चाई स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है। मतलब क्या मतलब हुआ, तो आइए देखते हैं इसको, चाई स्क्वायर को भी देख लेते हैं। चाई स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आगे यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए क्या करना चाह रहे हैं हम। तो हम क्या कह सकते हैं, CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद के इक्वल के ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स विद के डिग्री ऑफ फ्रीडम, के डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो 12.0 है, ज़ीरो है, और के इक्वल टू 5 है, तो अगर हम इसका चाई स्क्वायर स्टैटिक निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, कैसे निकलेगा, यानी कि इसकी चाई स्क्वायर की वैल्यू पी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। अब ये हमें बताइए, चाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव साइड पे रहता है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और इसका जो फॉर्मूला होगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होगा स्टैट्स डॉट चाई टू डॉट CDF, और ये टी होने में क्या माना है 12 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 5, और वो तो आप ऊपर कर ही लेंगे, क्या इम्पोर्ट फ्रॉम SciPy इम्पोर्ट स्टैट्स सॉरी फ्रॉम SciPy डॉट स्टैट्स इम्पोर्ट चाई स्क्वायर, ठीक। तो इसको करने पे मेरी जो टी तो मेरा 12.0 हो गया यहाँ पे, और मेरी जो यहाँ पे अल्फ़ा की जो पी वैल्यू आएगी, जो पी वैल्यू आएगी वो होगी 0.965212। तो मैं देख लूँगा कि मेरी ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, अगर ये रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी जो कि ये होगा रिजेक्शन रीजन, ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन होगा, तो
तो अगर इस रीजन में लाइक जो भी मेरी क्रिटिकल वैल्यू जिसके बेसिस में मैं देख रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला करके, तो मैं चेक कर लूँगा कि मेरे हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी कि एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो मेन अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फॉर्मूला ये ध्यान रखना है बस, चाय स्क्वायर निकालने के लिए, चाय स्क्वायर में पी वैल्यू निकालने के लिए, बल्कि टू कैलकुलेट पी वैल्यू फॉर चाय स्क्वायर में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बाकी टी का मैंने बताई दिया है और जी का मैंने उस पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। तो हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए बिजनेस स्टैटिक्स में। तो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।